शुरू होते ही हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत अजीबो गरीब क्रिएचर रहते हैं। उस जगह का नाम क्रिप्टन है और वहाँ के लोग काफी परेशान थे क्योंकि क्रिप्टन आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा था। उधर ही एक कबर के घर बेबी पैदा होता है। उस बेबी के फादर का नाम जॉरेल था। वो भी अपने प्लैनेट की सिचुएशन को लेकर काफी वरिड था। वो अपने प्लैनेट का कोऑर्डिनेट हासिल करना चाहता था, यानी ऐसी चीज जिसमें उस प्लैनेट की डीएनए कॉपी थी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसको यूज करके किसी और प्लैनेट में इस जैसा प्लैनेट बसाया जा सकता था। इस चीज के लिए वो क्रिप्टन असेंबली के पास जाता है और उनसे कोऑर्डिनेट मांगता है कि मैं इस मुल्क को बचाना चाहता हूँ, इस प्लैनेट को बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे कोऑर्डिनेट नहीं देता। और तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है बहुत सारे लोगों के साथ। वो सब सुन रहा था और वो असेंबली के बंदे को वहाँ पर शूट कर देता है। इनफैक्ट वो भी कोऑर्डिनेट हासिल करना चाहता था और वो बहुत बुरा था। ये चाहता था कि अगर हम अपने यहाँ से लोग किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट करें तो दूसरे प्लैनेट वालों को पहले मार दिया जाए, लेकिन जॉरेल की सोच बिल्कुल नहीं थी। वो चाहता था कि सब मिलकर रहें। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है और जॉरेल किसी न किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो वहाँ पर अपने पेट ड्रैगन को बुलाता है और उस पर बैठकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो वहाँ से जाता है कोऑर्डिनेट्स के पास। उसके पीछे पीछे जनरल भी आ जाता है और वहाँ पर भी उसको अटैक करने की कोशिश करता है। जॉरेल का ड्रैगन खुद पर शोर खाते हुए जॉरेल को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। फॉर्चुनेटली जॉरेल ने वो कोऑर्डिनेट्स हासिल कर लिया था। वो जैसे जैसे करके वो कोऑर्डिनेट्स अपनी बीवी को ला कर देता है। ये कहता है कि ये लो, इसका सारा डीएनए हमारे बेटे में ट्रांसफर कर दो क्योंकि क्रिप्टन अब तबाह होने वाला है। जॉरेल कहता है कि मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि हमारा बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, इसमें बहुत सारी एबिलिटीज हैं। हमें भी इसकी जान बचानी होगी ताकि बड़ा होकर ये बहुत बड़ा आदमी बने। इसी के साथ वो उसे एक स्पेसशिप में कहीं दूर भेज देते हैं। जॉरेल ने बेबी के साथ एक कीप रखी हुई थी। जॉरेल की वाइफ काफी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन उन्हें ऐसा करना ही था। तभी वहाँ पर वो जनरल दोबारा आ जाता है और जॉरेल पर काफी अटैक्स करके इस बार उसे मार देता है। बहुत ही बुरी बात हुई थी। फिर वो बढ़ता है स्पेसशिप की तरफ ताकि उसे भी रोककर उस पर अटैक कर सके, लेकिन क्रिप्टन असेंबली को खबर हो जाती है। वो उसे रोकने के लिए फौरन से फाइटर भेजती है। स्पेसशिप डैमेज होने से बच जाती है। जब असेंबली मेंबर्स को खबर होती है कि उन्होंने जॉरेल को मार दिया तो वो उन्हें सजा देने के लिए एक चीज में कुछ सालों के लिए कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस बेबी की स्पेसशिप को देखते हैं जो कि फाइनली दुनिया पर, यानी प्लैनेट अर्थ पर पहुंच चुकी थी और क्रिप्टन वहां पर तबाह हो रहा था और उसमें मौजूद लोग भी। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट की तरफ। हम एक शिप में एक फिशरमैन को देखते हैं, उसका नाम था क्लार्क। वो भी बहुत सुपर एबिलिटीज रखता था। एक जहाज क्रैश हो रहा होता है, फौरन से वहाँ पर जाता है और रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर आ जाती है। इसी दौरान एक टॉवर भी वहाँ पर गिरने लगता है और क्लार्क अपनी पूरी पावर से उस टॉवर को रोक लेता है, लेकिन तभी वो जहाज ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्लार्क भी पानी में गिर जाता है। सब पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पास कैसी कैसी एबिलिटीज थी। वो सबको स्कैन कर सकता था, उसे दूर की आवाजें आती थी, वो बहुत पावरफुल भी था। एक बार उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी और उसने अपनी स्कूल बस और बच्चों दोनों को पानी से बाहर निकाला था और उसे तब खुद भी नहीं पता था कि उसने कैसे कर लिया। के फादर उसे कहा करते थे कि देखो बेटा, मैं तो जानता हूँ ना कि तुम्हारे पास कितनी सुपर एबिलिटीज है, लेकिन समझो बेटा दुनिया के सामने ना शो किया करो, दुनिया पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाती है। तो इसलिए उसे अपनी पावर्स को छुपा कर रखना पड़ा और उसने एक होटल में एक काम करना शुरू कर दिया। वेटर का था, ट्रैवलिंग का और नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने होटल में किसी से पता चलता है कि किसी जगह पर 20,000 साल पुरानी स्पेसशिप मिली है। ये सुनकर क्लार्क का उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और वहाँ पर वो जाने की सोचता है। उधर एक न्यूज रिपोर्टर भी थी जिसका नाम लुइस था। वो भी यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो किसी इंटरेस्टिंग चीज की खोज में थी। जब रात होती है तो वो रिपोर्टर उस जगह की कुछ पिक्चर्स लेने लगती है। उसे पिक्चर्स में कोई आदमी दिखाई देता है और नहीं बल्कि क्लार्क ही था जो वहाँ पर स्पेसशिप ढूंढने के लिए अपनी आंखों से निकाल रहा था और पहाड़ों पर बड़ी बर्फ को मेल्ट कर रहा था। उसे वो स्पेसशिप मिल ही जाती है। स्पेसशिप के अंदर एक मॉड्यूल होता है, के पास एक मिस्टीरियस की थी जो कि उस मॉड्यूल में लगा देता है। उसमें से जॉरेल निकलता है और क्लार्क से कहता है कि मेरे बेटे तुम आ गए। तो क्लार्क कहता है कैसी बातें कर रहे हैं। तो जॉरेल कहता है कि हम सब क्रिप्टन प्लैनेट पर रहा करते थे, तुम मेरे बेटे हो, और जब वो क्रिप्टन प्लैनेट तबाह हो रहा था तो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस दुनिया पर भेज दिया। और यही मेरी बात तो मुझे एक आदमी ने कोऑर्डिनेट्स की लालच में मार दिया। वो उसे कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भेजने से पहले तुम्हारा डीएनए कोऑर्डिनेट्स के डीएनए से मैच कर दिया था, इसीलिए तुम्हें बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, इसका तुम अच्छे से इस्तेमाल करना और इसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल सूट भी देता हूँ। ये सब कुछ वो रिपोर्टर लड़की भी देख रही होती है। वो अंदर आकर मॉड्यूल की पिक्चर्स लेने लगती है और मॉड्यूल उस पर अटैक कर देता है जिसे वो गिर जाती है। तभी क्लार्क उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। उसके बाद क्लार्क को स्पेसशिप लेके वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर काफी नर्वस थी कि कोई स्पेसशिप यहाँ कैसे आ सकती है। ये सब डिस्कस करने के लिए वो उस न्यूज़पेपर कंपनी के हेड के पास जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वो कहती है कि हमें ये न्यूज़ पब्लिश करनी चाहिए। कहता है कि मेरा नहीं ख्याल, अभी कंफर्म नहीं है, इसको यहाँ पर फुल स्टॉप दे दो। लेकिन लुइस यानी वो रिपोर्टर की बात किसी न किसी से शेयर तो करना चाहती थी, तो किसी दूसरे न्यूज रिपोर्टर को ये बात बताती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लार्क अब सुपरमैन बन चुका था। वो आसमान में बिना खौफ उड़ रहा था, उसे किसी चीज का डर नहीं था, वो हर चीज का मुकाबला करना चाहता था। और वो रिपोर्टर लुइस दिखाई जाती है जो कि किसी न किसी तरह क्लार्क का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच चुकी थी। वो उसकी मॉम से मिलती है और फिर उसके फादर की कब्र के पास भी जाती है। तभी वहाँ पर क्लार्क भी आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो लुइस कहती है क्योंकि मुझे तुम बड़े मिस्टीरियस लगते हो, तुम अपनी पावर्स दुनिया से क्यों छुपा रहे हो। तो क्लार्क उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे यादगार किस्सा सुनाता हूँ। वो कहता है कि एक दिन पापा मामा और मैं कहीं जा रहे थे, हमारे साथ हमारा डॉग भी था, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान कि वो हर चीज को अपने साथ उड़ा कर लेकर जा रहा था। हम सब कार से बाहर आ गए लेकिन हमारा डॉग कार के अंदर ही रह गया और डैड उन्हें बचाने गए। वो खुद भी वहाँ पर फंस गए, उनकी मदद करना चाहिए और मैं चाहता तो उन्हें बचा भी लेता। उन्होंने मुझे इशारे से मना कर दिया कि नहीं, किसी के सामने अपनी पावर को नहीं शो करना। तो मैं उनके करीब नहीं जा सका और तूफान उन्हें भी अपने साथ ले गया। अब आज वो तो जा चुके हैं लेकिन उनकी कही हुई बात आज भी मेरे जहन में है, और अगर मैं उनको नहीं बचा सका तो मैं अपनी पावर्स दुनिया के सामने क्यों शो ऑफ करूँ।
तो वो कहती है कि तुम दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कीट गुड वर्क। फिर क्लार्क अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम मैं सुपरमैन बन चुका हूँ और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं शुरू से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था। उसकी मॉम सुनकर रोने लगती है और बहुत खुश होती है, लेकिन साथ यू कहती है कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। क्लार्क कहता है कैसी बातें कर रही है, मैं आपके साथ रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि आर्मी को सैटेलाइट के जरिए कुछ अजीबोगरीब पिक्चर्स मिलती हैं। उन पिक्चर से ये शो हो रहा था जैसे कोई स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर उन्हें मैसेज मिलता है कि हमारे प्लेनेट का एक आदमी आपके प्लेनेट पर है, हम उसे लेने आए हैं। हमें ना लुटाया गया तो हम तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सुनकर सब काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन सबको अपनी सेफ्टी के लिए क्लार्क को वापस भेजना ही था। दूसरी तरफ उस न्यूज़पेपर कंपनी का हेड भी सबको ये खबर बता देता है, क्योंकि अब ये बात किसी से छुपी नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि क्रिप्टन प्लैनेट से वो जनरल भी आ चुका है इस दुनिया में। ऑफिसर्स और काफी ज्यादा एजेंट सुपरमैन को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस दुनिया में कोई मसला पैदा हो। उनके सामने चला जाता है और सरेंडर कर देता है। उसे रेस्ट करके एक रूम में लाया जाता है जहाँ पर लुईस उससे बातचीत करती है, उसे इन्वेस्टिगेशन करती है। रूम में ग्लास लगा होता है जिसके पीछे से आर्मी भी उनकी बातें सुन रही थी। तो क्लार्क उस शीशे के पास जाता है और कहता है कि आपको मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपकी सेफ्टी के लिए ही खुद को सरेंडर किया। फिक्र न करें, आप भेजते मुझे उन लोगों के पास ताकि आप लोग सेफ रहें। इस बात से उनको भी अंदाजा हो जाता है कि ये पूरा इंसान नहीं। अब सुपरमैन को एक मैदान में ले जाया जाता है जहाँ पर क्रिप्टन प्लैनेट के लोग उसे लेने आते हैं। वो लोग प्लैनेट अर्थ की आर्मी को कहते हैं कि हमें अपने साथ लुईस को भी ले जाने दें, लेकिन आर्मी नहीं मानती। तो लुईस कहती है कि कुछ नहीं होता, फिलहाल मुझे जाने दें, और वो उनके साथ चली जाती है। क्रिप्टन प्लैनेट पहुंचते ही लुईस को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, और अब जनरल आता है सुपरमैन के पास। वो सुपरमैन से कहता है ये तो तुम भी जानते हो कि क्रिप्टन अब तबाह हो चुका है, इसलिए मुझे अब दुनिया में जाना है, प्लैनेट अर्थ पर अपना प्लैनेट बसाना है, तो इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे। मुझे ये भी बताओ कि कॉर्डेक्स कहाँ पर है। तो सुपरमैन कहता है कि मैं नहीं जानता। जनरल कहता है यानी तुम चाहते हो मैं तुम सब लोगों को मार के दोबारा से नया क्रिप्टन बनाऊं। दूसरी तरफ हम लुईस को चैम्बर में देखते हैं, उसके पास क्लार्क की वो मिस्टीरियस की थी जो कि उसी ने उसे दी थी। वो उसकी को वहाँ पर लगाती है तो जनरल फिर से वहाँ आ जाता है। वो लुईस से कहता है कि ये स्पेसशिप मैंने ही बनाई है और मैं इसके सब रास्ते जानता हूँ, बस वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उसे लेकर बाहर निकल आता है और वो लोग उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जनरल के लोग आगे से उन पर भी अटैक करते हैं। जैसे जैसे लुईस जनरल की मदद लेके एक और स्पेसशिप में दुनिया में वापस चली जाती है। अब जनरल सुपरमैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी पावर है, तुम इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ सकते हो। सुपरमैन अपनी पूरी पावर से उसका दरवाजा तोड़ देता है। बाहर आने पर उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है जिससे वो और ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। लुईस जो कि स्पेसशिप में प्लैनेट अर्थ की तरफ जा रही थी, उसकी स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश होने लगती है। सुपरमैन फौरन से उधर जाता है और उसको बचाकर आराम से नीचे ले आता है। देखते हैं कि जनरल भी प्लैनेट अर्थ में आ चुका है। सुपरमैन की मॉम के पास जाता है, वो कहता है कि बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा और वो कॉर्टेक्स कहाँ है। वो उसे मारने लगता है और तभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया। उसे वहाँ से लेके तेजी से उड़ने लगता है, उसे पिलर्स में दे मारता है। जनरल ने स्पेशल सूट पहना हुआ था, उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। सुपरमैन उसका हेलमेट तोड़ देता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इस बात का फायदा उठाते हुए सुपरमैन उसे मारने ही लगता है कि तभी जनरल के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। अब वो लोग जनरल को वापस अपने साथ क्रिप्टन ले आते हैं। वहाँ पर जनरल का खास आदमी उसे बताता है कि आप सुपरमैन को बस यहाँ पर ले आए, कॉर्टेक्स उसकी बॉडी से निकालना मेरा काम है, चाहे आप उसे जिंदा लाए या मरा हुआ मैं कॉर्टेक्स निकाल दूंगा। ये सुनकर जनरल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जनरल को प्लैनेट अर्थ का एनवायरनमेंट बिल्कुल सूट नहीं करता था। तो वो वहाँ पर दो मशीन भेजता है जो एक अजीब किस्म की स्मोक निकालती थी, दुनिया को प्लैनेट क्रिप्टन की तरह बना रही थी। उसकी वजह से लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि उनकी जमीन का एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा था। लुईस आर्मी हेड के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे जनरल ने बताया था कि जिस स्पेसशिप में मैं आई हूँ उसको इन मशीन से सब टकरा दिया जाए तो ये मशीन तबाह हो सकती है। तो वहाँ सुपरमैन आके कहता है कि हाँ इस मशीन को स्पेसशिप के साथ हिट करके डिस्ट्रॉय करते हैं और मैं दूसरी मशीन को खुद डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। सुपरमैन वहाँ पर जाकर अपनी पूरी पावर्स यूज करता है और इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ लुईस और वो आर्मी ऑफिसर उस स्पेसशिप को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जनरल की खास एजेंट आके उन्हें रोक लेती है। जिस प्लेन में वो लोग होते हैं वहाँ पायलट कहता है कि मैं अपना जहाज उस मशीन से टकरा देता हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मुझे बस दुनिया को बचाना है। और ये कह के वो जहाज उसके साथ हिट कर देता है जिससे वो मशीन फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसी दौरान उसमें से लुईस भी गिर जाती है और अभी वो हवा में ही होती है कि सुपरमैन आके उसे बचा लेता है और पहले ही की तरह वो लोग आराम से जमीन पर लैंड करते हैं। अब दोनों मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो लोग अब काफी तसल्ली में थे, खुश थे कि शायद हम बच गए हैं। तभी वहाँ पर जनरल दोबारा आ जाता है। वो सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरा करा कराया प्लान खराब कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते ही उस पर अटैक कर देता है और दोनों की बहुत फाइट होने लगती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहाँ पर जनरल अपनी आंखों से सेम लेजर निकालने लगता है और बिल्डिंग में मौजूद मासूम लोगों पर डालने लगता है जिनसे उनकी जान को खतरा था। सुपरमैन उसे बहुत मना करता है लेकिन वो पास नहीं आता, तो मजबूरन सुपरमैन को उसे मारना पड़ता है। ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन उसे लोगों की जान बचानी थी और उसे मारते ही वो रोने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन यानी क्लार्क लुईस के पास एक न्यूज रिपोर्टर के इंटरव्यू के लिए जाता है। लुईस उसे हायर कर लेती है और स्माइल करके कहती है वेलकम टू द न्यू प्लैनेट। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।